पिछले कई दिनों से आप जब भी अखबार उठाएंगे तो आप हमेशा एक चीज जरूर देखेंगे जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कि आईसीजे है क्या अभी किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में चल रहा है अबाउटन फाइल्ड बाय साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इसल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आज ही आप न्यूज में भी पढ़ा होगा कि साउथ अफ्रीका की जो पटिशन है इसके ऊपर आईसीजे ने एक जजमेंट दी है अब आइए समझते हैं कि आईसीजे क्या है ये जजमेंट क्या आई है और क्या इसके अंदर किस बेसिस के ऊपर साउथ अफ्रीका ने पिटिशन फाइल करी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो अगर हम आईसीजे की बात करें तो ये जो सारा मामला आया है ये मामला आया है कि जब हमास ने अक्टूबर के महीने में पहले इसराइल के ऊपर अटैक किया उसके बाद इसराइल ने उसको एक काउंटर अटैक किया और इसराइल ने गाजा में अटैक किया तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि जो Israel का अटैक है गाजा के ऊपर एक तरह से उसमें सिर्फ और सिर्फ हमास नहीं बल्कि बहुत सारे सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा है और पहुंचाया गया है। अब ने यह बात कही कि एक तरह से ने कहा कि ये है अब का मतलब क्या होता है कि जहां पर किसी स्टेट द्वारा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को चाहे वो एथनिक कम्युनिटी हो चाहे फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो चाहे फिर वो रिलीजियस कम्युनिटी हो उन सबके अगेंस्ट स्पेसिफिक तरह का एक अटैक किया जाता है बाइस द स्टेट दैट कैन बी टर्म्ड एस दिस आइडिया ऑफ जेनोसाइड अब ये साउथ अफ्रीका ने जो कंप्लेंट की है इसराइल के विरुद्ध साउथ अफ्रीका ने जो कंप्लेंट की है इसराइल के विरुद्ध इन द आईसीजे तो ये क्यों कर पाए अभी जो आईसीजे है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में पाई जाती है यूनाइटेड अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज मैं हाउ साउथ अफ्रीका एंड कैन फाइलेंट अगेंस्ट इजराइल एंड डज आईसीजे सीजे अ अरिस्डिक्शन ओवर इजराइल सो द आंसर इज यस

तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट क्या दी है और किस कॉन्टेक्स्ट में केस फाइल किया गया था तो जो केस फाइल किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा वो केस फाइल किया गया था अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 अगर हम बात करें जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 की सो इट एट द फर्स्ट एवर कन्वेंशन बाय द यूनाइटेड नेशंस, इट वॉज द यूनाइटेड नेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अब जेनोसाइड की जब हम बात करें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जेनोसाइड होता है जेनोसाइड में दो चीजें ध्यान में दी जाती हैं एक तो जेनोसाइड में क्या चीज ध्यान में दी जाती है पहली चीज तो जेनोसाइड के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में दी जाती है जब हम जेनोसाइड की बात करते हैं उट दिसनोसाइड सो जेनोसाइड में दो चीजें ध्यान में दी जाती पहली चीज तो दी जाती है इंटेंशन वन थिंग इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ फिजिकली हार्मिंग दैट यू आर ट्राइंग टू फिजिकली हार्मन पहली चीज तो वो होती है दूसरी चीज होती है इंटेंशन सो टू बी एक्ट एंड एक्ट टू बी कंसिडर्स ए जेनोसाइड बोथ दिस थिंग्स आर नेसेसरी यहां तो आप सिर्फ हार्म पहुंचा रहे हो देखो अगर तो आप सिर्फ हार्म पहुंचा रहे हो उसकी इंटेंशन कुछ और है तो उसका जेनोसाइड नहीं किया जा सकता राइट इट कैनोट बी कंसिडर जेनोसाइड बट इफ देयर इज अ फिजिकल हार्म इंटेंशनली बींग डन इन एन एक्ट एंड इन दैट फिजिकली हार्म और फिजिकल हार्मेर इज एन इंटेंशन टू डू दैट फिजिकल हार्म कैन बी टर्म डेनोसाइड ठीक है ना कि अगर आपने हार्म पहुंचाया आपकी इंटेंशन नहीं थी तो इट कैनोट बी टर्म डेनोसाइड ना समझ रहे हैं बात तो यही बात है तो दो चीजें होती हैं जेनोसाइड yeah, के कन्वेंशन के अंतर्गत जो बात की जाती है अब इस जेनोसाइड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस जेनोसाइड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एज पर दिस कन्वेंशन फाइव फिजिकल एक्ट एज पर दिस कन्वेंशन फाइव फिजिकल एक्ट्स कैन बी कंसिड एज जेनोसाइड किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कॉजिंग सीरियस बॉडिली और मेंटल हार्म इन्फ्लिक्टिंग ऑन द्रुप कंडीशन लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग दियर फिजिकल डिस्ट्रक्शन इंपोजिंग मई इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ फोर्सिविल ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू

इमीडिएट सीज फायर की उन्होंने बात नहीं की है बट हां उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो इंसाइटमेंट की जा रही है प्रिवेंशन है वो की जानी चाहिए ऑफ द सिविलियंस इन गाजा पर सवाल क्या है सवाल ये है कि क्या जो आईसीजे की जजमेंट है वो लीगली बाइंडिंग है दैट वेदर द जजमेंट ऑफ आईसीजे वेदर द जजमेंट ऑफ आईसीजे इज लीगली बाइंडिंग सो द आंसर टू दिस इज ये That the judgment of ICJ is legally binding. But the problem is that there is no mechanism for implementation of the judgment. There is no particular mechanism for the implementation of this judgment.

इस आईसीजे से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो थी दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1920 नाउ दिस वाज द प्रेड्यूसर टू आईसीजे ठीक है विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस बट लिमिटेड ज्योस्टिक्शन नाउ इंपॉर्टेंट केसेस विद रिस्पेक्ट टू द पीसीआईजे दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द ईस्टर्न ंड वॉज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट इन कॉन्टेक्स आईसीजे पी सी आई जे राइट एक तो मोरक्को का केस था एक फिनलैंड का केस था तो ये जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट थे इन द कॉन्टेक्स ऑफ पी सी आई जे अब वर्ल्ड वॉर टू के समय पे हम सब जानते हैं कि क्या हुआ जेनोसाइड हुआ ज्यूस का जेनोसाइड किया गया हिटलर के द्वारा और बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू अब इसी समय के ऊपर इसी समय के ऊपर 1945 में एस्टेब्लिशमेंट होती है यूनाइटेड नेशंस की 1945 में आता है यूएन चार्टर अभी जो यूएन चार्टर है इसके ऊपर क्या कहा गया कि इसने ये कहाट देर टू बी अ डेडिकेटेड एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड देर वॉज अ स्पेसिफिक मैंशन ऑफ द रोल ऑफ आई ऑफ यूनाइटेड नेशन अब ये जो यू चार्टर है इस यूएन चार्टर में स्पेसिफिकली बात की गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तो जैसे कि हमने ये कहा कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है इस को किया, इसके ऊपर बढ़ता गया ठीक है कि कई सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केसेस अगर आप सबने पढ़ा है तो आपको याद होगा कुलभूषण जाधव का भी भारत का एक केस है वो भी आईसीजे में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही है अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जैसे कि मैंने आईसी की बात करी कि इसकी सबसे बड़ा शॉर्टफॉल क्या है इंप्लीमेंटेशन कि मैकेनिज्म क्या है इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म कि आपने जजमेंट दे दी आपने कहा कि जो इसराइल ने किया है गाजा में वो गलत है ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है ना प्रिवेंशन की बात की प्रिकॉशन की बात करी पर ये इंप्लीमेंट कौन करेगा ये मैकेनिज्म ना ही ह्यूमन चार्टर में ना ही आईसीजे में कहीं पे मैंशनड है तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है आईसीजे के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है अगर हम बात करें कौन कौन सी एटिस हैं जो आईसी के साथ काम करती हैं तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है दे कैन रेफर द डिस्प्यूट्स टू आईसीजे एंड दे हैव द पावर टू दू जजमेंट और सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम रहता है अब ये इकलौती ऐसी काउंसिल है जिसके पास पावर है टू एनफोर्स द जजमेंट असेंबली की अगर हम बात करें असेंबली रिक्वेस्ट कर सकती है एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए बात कर सकती है सो दे कैन डू दैट देन देर इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन विच बेसिकलीफाइज द लॉज

तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो यूमन चार्टर है ट्रीटीज एंड कन्वेंशन है इंटरनेशनल लॉज है प्रिंसिपल्स रिकोगनाइज बाई सि नेशन तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर दो थिंग्स विच आर द गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अपना काम करता है और अपना कार्यभार जो है उसको संभालता है तो ये बेसिक फैक्टर्स रहते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें हम सब ने पढ़ा हुआ अनक्लॉज के बारे में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीस एक तो वो है दूसरा जिनोसाइड कन्वेंशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नाइनटीन का जो है वीना कन्वेंशन ऑफ लॉज एंड ट्रीटीज ट्रीटीजा कन्वेंशन है एंड कस्टमरी लॉज ऑफ डिप्लोमेटिक कम्यूनिटीज सो दीज आर बेसिकली कंडीशन और एग्जाम्पल्स विच हेल्प द फ्रेमवर्क ऑफ आईसीजे और अगर हम लास्ट में बात करें कॉम्पोजिशन की तो अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पंद्रह जजेस का बेंच होता है नाइन ईयर का इसका टेन होता है दिस आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन जो होता है अ थर्ड ऑफ द काउंट इज इलेक्टेड एवरी थ्री इयर्स एंड द इलेक्शन आर हेल्ड एट यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क राइट नाउ जजेस होते हैं इन पंद्रह जजेस में से अभी भारत के जस्टिस दिलवीर भंडारी जो हैं ही इज द सिटिंग जज ऑफ द आईसीजे सो इज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ठीक है so आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि पहले भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे हु द फर्स्ट इंडियन 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 हु वॉज द पार्ट ऑफ आई तो आपका काम यह है कि आप कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि आई के पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जो आई के हिस्से थे आई के मेंबर थे आज के समय के ऊपर जस्टिस दलवीर भंडारी तो ये सारा मामला है सारा मुद्दा है इन कॉन्टेक्सट ऑफ आई आई होप आपको समझ आया हो इसकी कॉम्पोजिशन के बारे जीरो कन्वेंशन के बारे और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और देखते रहें राजमोत्राई यस मेरा नाम है अनुज शर्मा धन्यवाद